दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा देश फ्यूचर में कैसा होगा? आज से 20-30 साल बाद भारत कितना बदल चुका होगा? कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी आएगी? लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा होगा? तो चलिए आज आपको आपके इस सवाल का जवाब भी दे ही देते हैं और मिलाते हैं आपको 2050 के भारत से। भारतीय अर्थव्यवस्था 2050 में भारत कैसा होगा ये जानना है तो सबसे पहले जरा भारत की इकॉनमी को देखते हैं। 2050 में भारत के पास 860 मिलियन की वर्किंग पॉपुलेशन होगी। आज भारतीयों की एक महीने की औसत आय जहां 15,000 से भी कम है, वहीं 2050 में भारतीयों की औसत आय आज से 3 गुना ज़्यादा होगी। सरकारी नौकरियां लगभग ख़त्म हो जाएंगी। हाल ही में सरकार ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, सड़कें और स्टेडियम को प्राइवेटाइज करने का ऐलान किया था। प्राइवेट कंपनीज के अंडर में आने के बाद इंडियन एयरपोर्ट्स और रेलवे स्टेशंस का लुक पूरी तरह से बदल जाएगा तथा पीडब्ल्यूसी की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ऐसा एक्सपर्ट्स की प्रेडिक्शन कहती है कि भारत की परचेसिंग पावर पैरिटी जो अभी $11 ट्रिलियन के आसपास है, वो 2050 में $44 ट्रिलियन की हो जाएगी। वहीं अगर ऐसा होता है तो वर्ल्ड जीडीपी का 15% अकेले भारत के कंट्रोल में होगा। लेकिन इस नंबर को पाना आसान नहीं होने वाला है दोस्तों, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए पहले सरकार को देश में वेल्थ गैप को कम करना होगा और इकोनॉमिक पॉलिसीज को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाना होगा, वरना 2050 में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के दावे सिर्फ दावे ही रह जाएंगे। 2050 में कैशलेस इंडिया, 2050 में पेपरलेस करेंसी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी और डिजिटल करेंसी का ही इस्तेमाल होगा। हाल ही में सरकार ने RUPI डिजिटल वाउचर लॉन्च किया था, जिसका इस्तेमाल लोग सैलरी पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल और शॉपिंग जैसी सभी सर्विसेज को पे करने के लिए कर सकते हैं। भारत में भी बनेंगी गगनचुंबीय इमारतें। आज के समय बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबीय इमारत को देखने हम दुबई, हांगकॉन्ग, न्यूयॉर्क जाते हैं, पर आने वाले समय में भारत की मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी इन गगनचुंबी इमारतों से भर जाएंगी, क्योंकि कम जमीन और ज़्यादा जनसंख्या की वजह से भारत के शहरों में माइक्रो अपार्टमेंट बनाए जाएंगे जो आने वाले समय में हमारे शहरों को पूरी तरह से बदल कर रख देंगी। भारत का स्पेस सेक्टर, दुनिया भर के देश स्पेस का रहस्य जानने और दूसरे ग्रहों पर जिंदगी ढूंढने के लिए लगातार स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे में इसरो भी आने वाले समय में कई बड़े मिशन को अंजाम देने वाला है, जिनमें गगनयान, शुक्रयान और सनी स्टडी जैसे मिशन सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए स्पेस में एक नई दरवाजे खोलेगा। अर्थात आज जिस स्पीड से दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनीज स्पेस पर वर्क कर रही है, उससे साफ है कि 2050 तक मार्स और दूसरे ग्रहों पर इंसानों को बसाना संभव हो पाएगा। फ्यूचर में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, भारत को अगर 2050 में विश्व गुरु बनना है तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमें एजुकेशन सेक्टर पर देना होगा। भारत ने पिछले साल ही एजुकेशन पॉलिसी में कुछ बड़े बदलाव किए हैं, जिसका फायदा अगले 30 सालों में हमें मिलने वाला है, जहां सभी स्कूलों में थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जाएगा तथा नॉर्वे, अमेरिका जैसे देशों की तरह अब भारत में भी स्टूडेंट्स को हायर स्कूल के दौरान कई तरह के कोर्सेज कराए जाएंगे और कोडिंग और साइंटिफिक नॉलेज सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए नहीं होगा, बल्कि टेक्नोलॉजी हमारे आने वाले इंडिया की पहचान बनने वाला है। इंडियन डिफेंस पावर, भारत को अगर शक्तिशाली देश बनाना है तो डिफेंस पावर पर भी हमें काम करना होगा। भारतीय सोल्जर्स का वैसे तो जंग में कोई मुकाबला नहीं, पर आने वाले सालों में वॉर हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी और इसकी तैयारी भी भारत ने शुरू कर दी है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रही है और जल्द ही इंडियन डिफेंस में AI को भी शामिल कर लिया जाएगा। 2050 की इंडियन डिफेंस फोर्स में हाईटेक वेपन्स और एयरक्राफ्ट के साथ साथ रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी होगी, जिससे जंग में कैजुअल्टी का खतरा जीरो हो जाएगा। पर दोस्तों, आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा कि फ्यूचर के भारत की इस तस्वीर को आप सच होते देखना चाहते हैं तो दिल लगाकर मेहनत कीजिए। आप जो भी काम करते हैं उसमें ईमानदारी रखिए, करप्शन से दूर रहिए, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की में उस देश के हर नागरिक का बराबर योगदान होता है। इसलिए अगर आप और हम आज मेहनत करेंगे तो 2050 तक हमारा देश ये सब अचीव कर पाएगा।